नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। अगर आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ, क्लास ट्वेल्थ, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जम करके तैयारी हमेशा चलती रहती है दोस्तों। और अगर आप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहते हो दोस्तों अपने यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए, तो विद्यापीठ प्लेटफॉर्म का लिंक आपको दिया गया है, जा करके वहां के वीडियो एनरोल करके आप फ्री में वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो इससे पहले बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला। आज हम आपको बात करेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश के यूपी बोर्ड 2019 के इम्पोर्टेंट चैप्टर दी गंगा। ठीक है, इस चैप्टर के दो वीडियो में भी बन चुके थे, आप वो दोनों वीडियो इंग्लिश क्लास टेंथ की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, दो तो अच्छे से पूरा वीडियो देखते रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हो तो चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ की यूपी बोर्ड की जबरदस्त तैयारी चलती रहती है, हमेशा 24 घंटे चलती रहती है। तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अब हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एक हमारा लॉन्ग आंसर बच गया था तो वो मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वर दी व्यूअर्स व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू के गंगा नदी और देश के लोग के बारे में क्या विचार था? ठीक है, तो आपको सबसे पहले आंसर हेडिंग डाल करके लिखना होगा, नेहरू व्यूज अबाउट द रिवर गंगा। ठीक है, यहां तक ये इतनी हेडिंग डालोगे आप ब्लैक स्केच पेन से, नेहरू व्यूज अबाउट द रिवर गंगा। फिर आप यहां से लिखना, ब्लू पेन से स्टार्ट करना है, दी गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, शी इज बिलव्ड ऑफ हर पीपल, इंडियाज सोशल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ सक्सेस, हर विक्टरीज एंड हर डिफीट्स आर इंटरवाइंड राउंड हर, शी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, यहां तक की हो गया। फिर आप दूसरी हेडिंग डालोगे, नेहरू व्यूज अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री। यहां से फिर आप स्टार्ट करोगे, पीपल ऑफ द कंट्री लव्ड हिम वेरी मच, दे हैड बीन हिज ज्वाइंट पेरेंट्स, दे शेयर्ड द ट्रम्फ एंड सोरोज विद हिम, दे हैव द रिलीजियस sentiment about the Ganga, Nehru did not want to cut off himself from the past of the country completely। यहां तक कि आप इसका आंसर लिखोगे दोस्तों, बस हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, हमारे शॉर्ट आंसर शुरू हो जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, Why did Nehru ji called the Ganga the river of India? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आंसर आप यहां से लिखोगे, दी गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज सी इज लव्ड बाय इंडियन पीपल। ठीक है, यहां तक की। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल क्वेश्चन मार्क। फिर और करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेहरू। ठीक है, आंसर में आप लिखोगे, द इंडियन पीपल गिव नेहरू लव एंड अफेक्शन इन एम्बुडेंस, दिस वॉज प्रीसियस गिफ्ट फॉर नेहरू, ही वॉज अनेबल टू रिपे दैट टू देम। यहां तक कि आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है, वाई डिड नेहरू वॉन्ट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेज स्क्रेटेड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया। यहां तक कि आप लिखोगे, स्क्रेटेड ओवर दी फील्ड्स ऑफ इंडिया, यहां तक की क्वेश्चन है हमारा। आंसर आप यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, नेहरू वॉन्टेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस स्क्रेटेड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया सो दैट दे माइट मिक्स विद द डस्ट एंड सोयल ऑफ इंडिया। यहां तक की आप इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ वॉज नेहरू अटैच टू गंगा। ठीक है,
आंसर आप लिखोगे, नेहरू वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद, ही हैज बीन अटैच्ड टू द गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड, ही एज ही ग्रू ओल्डर दिस अटैचमेंट हैड ऑल्सो ग्रोन। यहां तक कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, व्हाई डिड द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ, ठीक है, आंसर आप यहां से लिखोगे, गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ रिच एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो वर हिज लाइफ एंड वर्क हैड बीन कास्ट। यहां तक कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। तो चैप्टर था हमारा दी गंगा। जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इसका पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो गए, शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गए। अभी इस चैप्टर का एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपके कंप्लीट होंगे वो वोकैबुलरी बेस्ड सेंटेंसेस, ठीक है, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, चार नंबर के आते हैं, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो उम्मीद है आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। जितना भी आपको वीडियो में बताया उसका पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग जाकर के डाउनलोड कर लेना। नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10 तो क्लास 12 की जबरदस्त तैयारी होती है 2019 के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब नाउ ओम ट्रिक्स चैनल।